एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए एक मतलब दवा बनाने जा रही हूँ। आप दवा कह लीजिए, वो कुछ भी कह लीजिए, तो आपको 8 दिन में आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा कि 8 दिन में आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आंवला ले लिए हैं, ये 1 kg आंवला है, और आज मैं इसी से बनाऊंगी और आप लोग खा के देखिए, ज़रूर फ़ायदा करेगी। तो चलो मैं आज आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ कि मैं इसका कैसे अचार डालूंगी, नमकीन अचार, तो कैसे इसका बन के तैयार होता है। चलो फटाफट से देख लीजिए, और आप लोग जो भी डायबिटीज़ से परेशान हो तो बना के खा सकते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा करेगी। तो चलो फटाफट से मैं बता देती हूँ कि कैसे बनना है। तो यहाँ पर देख सकते हो पानी खोल चुका है, पानी को कर दे, गैस को कर देना है बंद। गैस को बंद कर दिया, पानी अच्छे से खोल गया है, और अब मैं ये आंवला है इसी में डाल दूंगी। बस पानी बंद करके डालना है, गैस बंद करके डालना है, सॉरी, नहीं तो फिर ज़्यादा बॉयल हो जाएंगे, इनकी अंदर की गुठलियाँ निकालनी है। तो मैं सारे आंवले इसी तरह डाल देती हूँ। यहाँ पर सारे आंवले पानी में पड़ चुके हैं, थोड़ी 2 मिनट के लिए पानी को बंद कर दूंगी। फाइनली यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट बाद मैं इसको खोलती हूँ और इसका पानी निकाल देती हूँ, फिर इसके जो अंदर के बीज हैं उनको निकालूंगी। इसका जो पानी था वो मैंने निकाल दिया है, अब मैं इसको यहाँ पर रख के एक हाथ से पुश करूँगी और आराम से जो इसके अंदर का बीज है वो निकल जाएगा। बस आप ऐसे करके इसको दबा दीजिए, ये देखो, तो ऐसे सारे पुश कर करके इनके बस ऐसे दबाते जाएंगे और बीज निकलते जाएंगे। देखिए कितनी अच्छे से अलग हो रहे हैं, ये 4 हिस्सों में अलग हो गए, तो इसका बीज है वो निकाल देंगे, और मुझे जितने हैं सारे ऐसे पुश कर करके बस इनका जो बीज है वो निकाल लेना है। बस आप हल्का सा करिए और ये गर्म पानी के चक्कर में सारे इनके बीज अच्छे से निकल जाते हैं। तो मैं इनके सब के बीज निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे पुश कर करके सारे बीजों को अलग कर दिया है, ये बीज निकल गए हैं और ये अच्छे से पीस टाइप के बन चुके हैं। अब मैं इनको रख देती हूँ धूप में, आज इनको पूरे दिन धूप लगानी है, तो मैं इनको यहाँ पर रखने जा रही हूँ धूप में, छत पे रख दूंगी तो अच्छे से धूप लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने धूप में रख दिए हैं, अब इनको पूरे दिन ऐसे धूप में रहने देती हूँ। तो यहाँ पर मैं भून रही हूँ मसालों को, मसाले में कोई ज़्यादा मसाला नहीं है, सौंफ है, जीरा है, मेथी है, उसको आप धीमी आँच में तवा पे धीमे धीमे भूंज लें। जब अच्छा सा भून जाएगा तो अलग महक आने लगती, और ये देखिए आंवले का पानी बिल्कुल सूख चुका है, एक ही दिन धूप में डालने से अच्छे से पानी सूख गया है और अचार रखने काबिल हो गए हैं। और यहाँ पर जो मसाला भूंजा था उसको मिक्सी में पीस लिया अच्छे से, आप थोड़ा महीन पीस लें, और वो आंवला ले लिया, उसमें डाल दिया सारा मसाला जो 3 चीज़ें भूंजी थी, जैसे सौंफ बताया, मेथी, जीरा, ये 3ों चीज़ें भूंज ली थी वो डाल दी हैं, और हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, तेल डाल दिया, बताइए इसमें क्या झंझट है। बहुत अच्छे से मतलब टेस्ट भी अच्छा लगता और बहुत अच्छे से अचार मेरा रख गया था। और इसको अच्छे से आप मिला दें और 1 दिन के लिए धूप में रख दें, ऐसे मैं मिला के और किसी बर्तन में करके कपड़े से ढक के धूप में रख दूँगी, बन गया अचार, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने आंवले का अचार रख लिया है, और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। जिसको डायबिटीज है तो वो बना के खा सकता है। आपको 8 दिन में असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप 2 पीस सुबह खाइए, 2 पीस शाम को खाइए, बस। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो जिसको डायबिटीज है तो वही खाए, कोई भी खा सकता है। मैं भी इसको खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, और कोई झंझट भी नहीं, फटाफट से रख जाता है। वही थोड़ा सा बॉयल किया, धूप 1 दिन धूप में डाला, और बस थोड़े से मसाले डाल के रख लिया, और कोई ऐसा भी नहीं, बहुत सारे मसाले तैयार करने हैं तो आपने देखा ही होगा कि ज़्यादा कोई मसाला भी नहीं तैयार करना है। और आज मैंने इसको रखने के बाद 1 दिन पूरा धूप में रखा था, सुबह इसका सब बना लिया था मसाला, मसाले में इसको रख दिया था, फिर इसके बाद ऐसे ही मैंने धूप में रख दिया था, इसीलिए अभी मैंने इसको डब्बे में नहीं डाला है। आज पूरे दिन धूप में रखा, अब इसको मैं डब्बे में भर के रख दूँगी, बस तैयार हो गया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखो बहुत टेस्टी है, तो इसे मैं भी खाऊंगी और सब लोग खाएंगे घर में, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बस बहुत अच्छा बनता है। तो आप बना के खाइए अचार, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा अचार रहा, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट खाएं तो उनको डायबिटीज़ में आराम मिलेगी, कंट्रोल रहेगा, और इससे दवा खाने से अच्छा है कि अपना ऐसी चीज़ें बना के खाइए
तो आराम भी रहेगी। चलो फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।